दुनिया में भारत ऐसा अकेला देश है जहाँ मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है और जिंदा औरत को निवस्त कर सड़कों पर घुमाया जाता है। ये जो सरकार है, ये ईवीएम के कारण, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, वो ये जो सरकार है वो मिटाना चाह रही है। और ये सब हम लोगों को दिख भी रहा है, फिर भी हम कुछ बोलते नहीं, आवाज नहीं उठाते, आंदोलन नहीं करते। तो मैं अपने स्पीच के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि ये सरकार कैसा है, ये ईवीएम फ्रॉड है। तो ईवीएम फ्रॉड है आप बोल रही है? हाँ, सच में मैं अभी छोटी हूँ इसीलिए मैं इतना बोल नहीं सकती, पर फिर भी बताती हूँ। ईवीएम के बारे में पता है आपको, जो बातचीत चल रही है वो पता है? अरे देखो, जब भी इलेक्शन आती है तब इन्होंने क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली में जाके अयोध्या का काम कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसे मुझे लगता है आवाज उठाना जरूरी है। मैंने एक वीडियो देखा था, वीडियो क्लिप, अयोध्या में एक स्टूडेंट को बेरहमी से पिटा गया, वो फूल फेंक रहा था। मतलब हमारे ही लोग वहां जाके राम राम करते हैं और उन्हें पिटा जाता है, जो 3% ब्राह्मण समाज है, तो वो हम सबको, सब पे रूल कर रहा है, जैसे कि हम सबको वो, मतलब हम सब पे वो राज करना चाह रहा है, वो हम सबको दिख भी रहा है।